नंबर वन लवरी रनर। ये ड्रामा द बेस्ट ऑफ टुमारो वर्ल्ड का एडेप्टेशन होने वाला है, जहाँ हमारा मेन लीड एक फेमस सिंगर है। फेमस होने की वजह से वो काफी एग्जॉस्ट हो जाता है और हमारे फीमेल लीड उसकी डाई हार्ड फैन है, क्योंकि उसकी सॉन्ग की मदद से वो ट्रॉमा से बाहर आती है। हमारा मेन लीड का अचानक मौत हो जाता है, जिसको सुनकर हमारी फीमेल लीड शॉक में चली जाती है। वो टाइम ट्रैवल करके 15 साल पीछे जाती है, जहाँ वो फिर से हमारे मेन लीड से मिलती है। क्या वो दोनों इस बार अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे और क्या हमारी फीमेल लीड इस बार फ्यूचर चेंज कर पाएगी? ये ड्रामा का रिलीज डेट है अप्रैल 8 और इसमें आपको 16 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 2 पैरासाइट द ग्रेट। ये ड्रामा पैरासाइट द मैक्सिम मांगा का एडेप्टेशन होने वाला है, जहाँ अर्थ में पैरासाइट की बारिश होती है और फिर ये पैरासाइट इंसानी दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और उस इंसान को अपना होस्ट बना लेते हैं। हमारे फीमेल लीड के अंदर भी एक पैरासाइट है, लेकिन वो पैरासाइट हमारी फीमेल लीड को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकती। ड्रामा में हमें और भी कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे जो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये ड्रामा का रिलीज डेट है अप्रैल 6 और इसमें आपको 6 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 3 ब्लड फ्री। ये एक साइंस फिक्शन और थ्रिलर ड्रामा होने वाला है, जहाँ हमें फ्यूचर का वर्ल्ड दिखाया जाता है। सदियों से हम इंसान जानवर का मीट खाते आए हैं, लेकिन इस ड्रामा में हमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग वेट के बारे में दिखाया जाता है, जिसको बनाने के पीछे बहुत सारा राज छुपा है। हमारी फीमेल लीड इस कंपनी की सीईओ है, जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, और हमारा मेल लीड उसका बॉडीगार्ड है, जो पहले आर्मी में था और शायद अब एक सीक्रेट मिशन में है। ये ड्रामा का रिलीज डेट है अप्रैल 10 और इसमें आपको 10 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 4 चीफ इंस्पेक्टर द बिगिनिंग। कोरिया में चीफ इंस्पेक्टर एक पॉपुलर शो है, जिसमें 800 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। ये ड्रामा उसी चीफ इंस्पेक्टर की पास्ट लाइफ को दिखाता है, जब वो चीफ इंस्पेक्टर नहीं था। ये ड्रामा हमें 1916 में लेके जाता है, जहाँ हमारा मेन लीड और उसके दोस्त बहुत सारे मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको टैक्सी ड्राइवर ड्रामा अच्छा लगा था, तब तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। ये ड्रामा का रिलीज डेट है अप्रैल 9 और इसमें आपको 10 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 5 मिसिंग क्राउन प्रिंस। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाला है, जो हमें जोसन पीरियड में वापस लेके जाएगा। हमारी फीमेल लीड की शादी क्राउन प्रिंस से होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले उसका किडनैप हो जाता है। अपने जर्नी में ये दोनों बहुत सारा नया एडवेंचर करेंगे और हमें थोड़ा बहुत रोमांस और लव ट्रायंगल भी देखने मिलेगा। ये ड्रामा का रिलीज डेट है अप्रैल 13 और इसमें टोटल 20 एपिसोड होने वाले हैं। नंबर 6 द राउंड अप पनिशमेंट। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाला है, जो 2017 का सुपर हिट मूवी आउटलास्ट का पार्ट है। हमारा मेन लीड एक डिटेक्टिव है, जो ऑनलाइन इलीगल गैम्बलिंग के मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा है। हमारा ये मास्टरमाइंड एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स का ऑफिसर है, जो ये दोनों के साथ मिलकर ये ऑनलाइन बिजनेस को चलाता है। अगर आपको ये एक्शन थ्रिलर मूवी देखना है, तो आप ये मूवी जरूर देख सकते हो और इसका रिलीज डेट है अप्रैल 24। अगर आपको कोरियन इंडस्ट्री के बारे में और जानना है, तो आप हमारे ये दो वीडियो देख सकते हैं।